What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL and आज तो certainly आपको welcome कर रहा हूँ अपने किचन में. Finally the day has come और official YFL kitchen studio tour हो रहा है आज finally. और 6 साल पूरे हो गए हैं आज YFL को, so congratulations to all of you, we have come a long way. और what could be a better day to you know release this kitchen tour video. End of this video, बहुत ही interesting giveaway announce कर रहा हूँ 6 साल की खुशी में, तो ज़रूर देखना. नथिंग लाइक दिस हैज़ बीन डन बिफोर ऑन YFL, तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस गिव अवे के लिए, तो लास्ट तक ये वीडियो देखना. कम आई विल शो यू अराउंड. तो सबसे पहले तो यहाँ पर जब आप आओगे तो ये आइलैंड किचन है यहाँ पर. दिस इज़ द बैकग्राउंड यू ऑलवेज सी इन ऑल द वीडियोज़. और यहीं पर खाना बनाता हूँ, यहाँ प्रेप करता हूँ, यहाँ खाना बनाता हूँ और इतना सा दिखता है. बट YFL स्टूडियो में बहुत दूसरे भी कॉर्नर्स हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. आज सब स्टूडियो में और किचन में जो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ. और साथ ही में ये जो किचन है ये एक सेट नहीं है, एक फिज़िकल एक्चुअल वर्किंग किचन है और उसे एक स्टूडियो के साथ एमैल्गमेट किया हुआ है, बिल्ड किया है उसी तरीके से कि हम यहाँ पर शूट कर पाएँ. और ये मेरा घर है और ये मेरा पर्सनल किचन है. तो सबसे पहले तो बैकड्रॉप जो आपको दिखता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी आप आ जाओगे तो आपको ये फ्रिज दिखेगा जो काफ़ी फेमस हो चुका है अभी. और मुझे बहुत सालों से ये फ्रिज लेना था एंड एट दैट टाइम ये अवेलेबल नहीं था इंडिया में, तो मैंने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट किया ये कंपनी को. फॉर्चुनेटली जब ये स्टूडियो बना रहा था इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में आना है एंड दिस केम फ्रॉम इटली एंड इट वॉज द फर्स्ट फ्रिज इन इंडिया. एंड सो प्राउड टू हैव इट इन माई किचन दैट आई कुड एक्चुअली बाय दिस एंड यहाँ कर रख पाए. ये सॉर्ट ऑफ एक शो स्टॉपर बन जाता है इस बैकग्राउंड में और काफ़ी रेट्रो फील देता है. और फ्रिज के जब इस साइड पे आओगे तो ये फ्रिज पे जैसे यूजुअली लोग काफ़ी सारे फ्रिज मैग्नेट्स लगाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे पोलरॉइड्स लगाए हुए हैं. कोई भी मेरे फ्रेंड्स, कॉन्टेंट क्रिएटर, शेफ्स कोई भी यहाँ आता है तो हम पोलरॉइड्स खींच के यहाँ पर लगाते हैं. और उसके बाद ये जो बैकड्रॉप है ये एज अ बैकड्रॉप भी एक्ट करता है और एज अ स्टोरेज स्पेस भी एक्ट करता है. काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, काफ़ी सारे मेरे अप्लायंसेज हैं, पैन्स हैं, स्टोरेज है. तो अप्लायंसेज में यहाँ पर मेरे पास एक स्टैंड मिक्सर है जो मैं बेक तो नहीं करता हूँ काफ़ी, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डो नीडिंग होती है, आटा गूंदने के बहुत काम आता है मेरे. और फिर इसके नीचे यहाँ पर जाओगे तो ये एक ड्रॉवर है और ये ड्रॉवर को जब भी हम खोलते हैं तो साथ ही में ये पैन्स बाहर आ जाते हैं एंड देन यू कैन पुल आउट दीज पैन्स वेरी इजीली. काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये, बट काफ़ी आवाज़ भी आती है पैन्स की. सोच रहा हूँ एक बेटर वे ढूंढने का, बट अभी फ़िलहाल तो ये काफ़ी अच्छा लगता है तो फिलहाल ऐसे ही रखा हुआ है. और फिर यहाँ पर अब जब भी आओगे तो यहाँ एक स्पाइस रैक आपको दिखेगा. तो जो स्पाइस रैक है, काफ़ी सारे कॉमेंट्स आते हैं कि कहाँ से लिया हुआ है, तो ये मैंने लिया नहीं है, ये एक DIY प्रोजेक्ट था मेरा. ये एक मेटल स्क्रैप यार्ड से एक मेटल की शीट ली है, ये कुछ 350 रुपए की मिली थी. इसको ब्लैक स्प्रे पेंट किया हुआ है मैट और ये अमेजोन में जार्स मिलते हैं ऐसे मैग्नेटिक, वो आप ख़रीद सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट यूज़ इट लाइक दिस. ये एक्चुअली डायरेक्टली फ्रिज पे भी लग जाते हैं तो आप फ्रिज पे भी लगा सकते हो सेम तरीके से और स्पाइसेस यूज़ कर सकते हो. और स्पाइसेस जो ये वाले हैं इसी के साथ में यहाँ पर स्पाइसेस की एक बड़ी स्टोरेज भी है. तो ये ऐसे काफ़ी सारे ड्रॉवर्स हैं तो ये आपको बर्ड्स आई व्यू में काफ़ी मसाले दिख जाते हैं, मैं ऐसे डब्बों के ऊपर लिख देता हूँ और फिर बाद में इसमें प्रेप करके हम लोग यूज़ करते हैं खाना बनाते टाइम पे. और यही वो नमक वाला डब्बा भी है जो आप सब पूछते हो मुझे कि डब्बा कहाँ से लिया है, तो ये नमक लिखा हुआ डब्बा नहीं मिलता है, तो ऐसे डब्बे मिलते हैं जिसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करता हूँ, तो नमक भी इसी में स्टोर करता हूँ. और ऐसे ऊपर और आगे लिख देता हूँ कि इजीली पता चले कि डब्बे में क्या है. ये डब्बे आइकिया में मिलते हैं और एक वाइट एक्रेलिक पेंट वाला पेन मिलता है जो परमानेंट होता है, उससे आप लिख सकते हो. तो काफ़ी इजी है बनाना, आप बनाना चाहते हो तो आप घर पे खुद के बना सकते हो. फिर ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरेज है. यूजुअली किचन सेट्स में ये सब डमी होता है बट मैं एक्चुअली इनमें से ही सारे मसाले, दालें सब जो यहाँ स्टोर करता हूँ वही यूज़ करता हूँ. और पीछे भी थोड़ी बहुत स्टोरेज है बट इधर से भी यूज़ करता हूँ. और मेरे पास ब्रास के, ग्लास के और स्टेनलेस स्टील के काफ़ी सारे डब्बे हैं जो मैं यूजुअली स्टोरेज के लिए यूज़ करता हूँ. प्लास्टिक अवॉइड करता हूँ, आपको भी प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए. फिर आ जाते हैं, ये तो थी स्टोरेज वाली बातें इधर ऊपर की. नीचे भी थोड़ा बहुत स्टोरेज है तो यहाँ पर थोड़ा इंग्रेडिएंट्स का ओपन स्टोरेज है जहाँ पर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स है जो मैं बहुत रेगुलरली यूज़ करता हूँ. और फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्टोरेज है
इसमें काफ़ी सारे वुडन प्लैंक्स हैं इस तरीके के, जैसे ये वाला है, और आपको और एक दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला है। तो ये जो वुडन प्लैंक्स है ये मैं खुद ही बनाता हूँ। आप कोई भी वुड की दुकान पे चले जाओ, उनके पास काफ़ी एंड पीसेज होते हैं या रिक्लेम्ड वुड के पीसेज होते हैं, काफ़ी सारा स्क्रैप होता है जो उनके काम नहीं आता है, और आप वो ले सकते हो और फिर थोड़ा बहुत ऐसे कटवा सकते हो, और ऐसे प्लेटिंग के लिए, स्टाइलिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अलग अलग शेड्स में, टेक्सचर्स में मैं ये बना लेता हूँ और फिर हम लोग ये यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा रिच वाइब देता है ये फोटोग्राफी में भी और वीडियोग्राफी में भी। तो ये एक टिप का आप यूज़ कर सकते हो। इसको वापस डाल देता हूँ मैं यहीं पर, और यहाँ पर थोड़ी सी और स्टोरेज है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं स्टोर करता हूँ ओपन स्टोरेज, इसलिए कि मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है कि फटाफट सारी चीज़ें मिल जाती है। हाँ, साफ़ सफाई बहुत रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर धूल मिट्टी हो आपकी किचन में तो ओपन स्टोरेज में वो धूल मिट्टी चली जाती है। सो यू हैव टू कीप योर किचन वेरी क्लीन। तो ये तो बैकड्रॉप था जो आपको हमेशा दिखता है। अब आ जाते हैं वो सेक्शंस में जो आपको यूजुअली दिखते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो सेक्शन है वो है क्रॉकरी का, सर्ववेयर का, जो टेबलवेयर है जिसमें काफ़ी सारी मैं प्लेटिंग करता हूँ, और खाना जब बनाता हूँ तो बोल्स और ये सब जो यूटेंसिल्स यूज़ करता हूँ सब यहीं पर हैं। और ये काफ़ी मैंने अपने तरीके से इन्हें स्टोर करके रखा हुआ है, जैसे बड़े बोल्स ऊपर हैं एक जैसे कलर, जैसे शेड्स ऑफ ब्लू यहाँ पर हैं, थोड़े डार्कर शेड्स यहाँ पर हैं, तो उस तरीके से सब रखे हुए हैं। साथ ही में प्लेट्स हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप की, यहाँ पर छोटे वाले बोल्स हैं। फिर उसके नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी ग्लासवेयर है, और ये वो क्लॉशेज़ हैं मेरे जहाँ पर मैं वो धुआँ देता हूँ अलग अलग चीज़ों को, तो ये क्लॉश यूज़ करता हूँ। और फिर नीचे यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की काफ़ी चीज़ें हैं, इन्हें गैस्ट्रोनोम पैंस कहा जाता है, और ये प्री प्रेप और प्रेप रखने के काम आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी हैंडी होते हैं, ये टूटते नहीं हैं और सालों साल चलते हैं। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग साइज़ में मेरे पास हैं, जिसमें काफ़ी सारे सब्जियाँ, ग्रेवीज़ वगैरह ये वो स्टोर करके मैं रखता हूँ। और यहाँ पर हाँ, एक स्पेशल बोल है ये वाला जो मेरा ब्लैक बोल है। तो ये काफ़ी टाइम से मैं आई थिंक 6 सालों से ये यूज़ कर रहा हूँ, और आटा गूंदने के लिए काफ़ी बार यूज़ करता हूँ मिक्सिंग के लिए, और आप पूछते रहते हो कि कहाँ से लिया है। तो मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं है बोल, नहीं तो मैं आपको बता देता। आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग विद दिस बोल एंड एज अ प्रोडक्ट शायद आपको दिख जाए वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड, समथिंग एक्साइटिंग माइट कम अप। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, बट कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए अवेलेबल करवाना। तो ये ब्लैक बोल है यहाँ पर, और फिर उसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी सारा कुकवेयर है। तो ये जो कुकवेयर है अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, यहाँ पर सारा ब्रास और कॉपर का एंटीक टाइप, जो विंटेज टाइप कुकवेयर है जो इंडियन घरों में पहले यूज़ किया जाता था, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। साथ ही में आयन है, स्टेनलेस स्टील है, कार्बन स्टील है, और कास्ट आयन के भी मेरे पास काफ़ी सारी कुकवेयर है, तो ये मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। नॉन स्टिक आई अवॉइड यूजिंग, कार्बन स्टील सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ब्रास, कॉपर और आयन और स्टेनलेस स्टील, ये सारी जो कुकवेयर है मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। नॉन स्टिक और एल्यूमिनियम अवॉइड करता हूँ। अब मेरे को पता है आप सब पूछोगे कि कहाँ से लेता हूँ, क्या है, उस बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। इवन जो कुकवेयर है, सर्ववेयर है, दोनों चीज़ों का मैं वीडियो बहुत ही जल्द बनाऊँगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट, ठीक है। चलो इसके बाद आगे आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा इक्विपमेंट है, यहाँ पर एक टेबल है, इसमें काफ़ी सारी स्टोरेज है, और ये टेबल मैं एज अ प्लेटिंग स्टेशन भी यूज़ करता हूँ कई बारी। नो बेक मैंगो चीज़ केक यहीं पर प्लेट हुआ था। तो हम क्या करते हैं यूजुअली अलग अलग जगहों पर वाईएफएल किचन में प्लेटिंग करते हैं कि एक अलग सा वाइब आए, कोई अलग सा एस्पेक्ट आए, एक अलग सा लुक आए वीडियो के अंदर, तो इसलिए हर नुक्कड़ कोने का इस्तेमाल कर लेते हैं स्टूडियो का। तो ये भी यूज़ होता है, एक विंडो है, बाहर से लाइट अच्छी आती है, हम आर्टिफिशियल लाइटिंग भी करते हैं और बहुत अच्छा लुक एंड फील आता है। फिर उसके बाद ये जो एक वॉल है, वन ऑफ माय फेवरेट वॉल्स है, आप पीछे देखोगे ऐसे एकदम अनफिनिश्ड वॉल है, वही लुक आगे भी कंटिन्यू होता है, और ये एक रिक्लेम्ड वॉलनट वुड का पीस लिया था मैंने, और मैंने उसका ये नाइफ रैक यहीं पर बनाया है। ये मैग्नेट्स लगाए हैं और उसके ऊपर मेरी सारी नाइव्स हैं। ये नाइव्स के साथ यहाँ पर ये किचन नाइफ रोल है, जिसमें मैं बाहर जब भी कुक करने जाता हूँ तो नाइव्स उसके अंदर स्टोर करता हूँ, और ये मेरी सारी फेवरेट नाइव्स यहाँ रखी हुई हैं। और भी नाइव्स हैं मेरे पास, और मैं सालों साल ये कलेक्ट करते आ रहा हूँ नाइव्स, और मैं हमेशा लेते रहता हूँ जब भी मेरे को कोई अच्छी लगती है। इवन जितनी भी क्रॉकरी और यूटेंसिल्स हैं मेरे पास,
वो सारी चीज़ें मैं बहुत सालों से जमा कर रहा हूँ, तो एक दिन में नहीं ली हुई है। तो अगर आप ऐसे किचन बनाना चाहते हो या ऐसा सामान लेना चाहते हो, सो यू कैन नॉट गो आउट इन वन डे एंड बाय एवरीथिंग। जब जब भी कोई चीज़ें आपको अच्छी मिले तभी ले लो, और आप फिर वो अपने किचन में रख सकते हो और ऐसी आपकी कलेक्शन बिल्ड होती रहेगी। ये पूरा मैग्नेटिक स्पाइस रैक है, इसको जब भी आपको यूज़ करना है तो ऐसे नाइफ निकाल के यूज़ कर ली, साफ़ करके आप बस ऐसे लगा दो। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभी आ जाते हैं ये वाले पार्ट पे जो आइलैंड किचन है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट किचन आइलैंड है ये। यहाँ पर हॉब है और साथ ही में अवन है नीचे, एक स्टैंड अलोन कुकर है और सिक्स बर्नर्स हैं यहाँ पर, जिसमें अलग अलग प्रेशर सेंसिटिविटीज़ हैं, और साथ ही में एक बहुत बड़े कैपेसिटी का अवन है जिसको मैं काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ आजकल। और ये कलर बहुत इंटरेस्टिंग है, येलो कलर का, बहुत ही स्लिक लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। और जब भी मैंने पहले देखा था, आई वॉन्टेड दिस यू नो हॉब इन माई किचन, और काफ़ी अच्छा लुक देता है ये। काफ़ी दिखता नहीं है, जब भी मैं वो टिप देता हूँ आपको, आँच धीमी कर लो, बढ़ा लो, तभी आपको शायद दिखता होगा, पर ज़्यादा नहीं दिखता, बट काफ़ी अच्छा लगता है। और ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पर प्रेप स्टेशन है, यहाँ पर मैं प्रेपिंग करता हूँ, चॉपिंग वगैरह, कटिंग वटिंग करके, मिक्सिंग विक्सिंग करके वहाँ कुक करता हूँ। इसमें भी काफ़ी सारा स्टोरेज है, यहाँ पर सारे नाइव स्पैचुलाज वगैरह सब यहाँ पर रखे होते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। और इसके नीचे भी काफ़ी सारा स्टोरेज है जहाँ पर एक्स्ट्रा पैन्स अप्लायंसेस वगैरह मैं रखता हूँ। इस तरीके के चॉपिंग बोर्ड्स मेरे पास कई सारे हैं जो मैंने यहाँ ही पर खुद बनवाए हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करके कारपेंटर्स के साथ। और इस तरीके के एंड ग्रेन टीक वुड चॉपिंग बोर्ड्स बनवाता रहता हूँ मैं, मुझे बहुत शौक है, और वहीं यूज़ करता हूँ इस किचन के अंदर। तो ये वाला जो पूरा साइड था, ये किचन वाला साइड था, जो किचन वाला सेक्शन है। अब इसके अलावा जो सेक्शन आपको नहीं दिखता है, बट यूजुअली मैं जब भी खाना यहाँ पर बनाता हूँ तो मुझे ये वाला सेक्शन पूरा दिखता है जो यहाँ पर है, और ये बिहाइंड द सीन्स वाला साइड है जो भी फ़िलहाल काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी लाइट्स होती हैं, डिफ्यूज़र्स होते हैं, मेरी पूरी टीम होती है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारा स्टोरेज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ें होती है वाईएफएल किचन में, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर जब भी आप देखोगे, सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पर ये रेड वाले बॉक्सेस हैं, ये कस्टम मेड वाईएफएल स्टोरेज बॉक्सेस हैं। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, साथ ही में वाईएफएल का लोगो है, और इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर सेलो टेप्स, डक टेप्स, मास्किंग टेप्स हैं, और काफ़ी सारी स्टेशनरी, क्लैम्प्स, एडेसिव्स, बैटरीज, बहुत सारी चीज़ें यहीं स्टोर करके रखते हैं कि ईजिली एक्सेस हो जाए। और उसके ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरेज है, जो मेरे स्पाइस के बॉक्सेस हैं, जार्स हैं, वो मैं एक्स्ट्रा स्टॉक में रखता हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे शौक था, तो मिलिट्री एम्यूनेशन बॉक्सेस हैं, वो मैं स्टोरेज के लिए यूज़ करता हूँ। आई डोंट यूज़ इट फॉर फूड वाली चीज़ें, बट दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर लेता हूँ, ये रिक्लेम्ड स्टोरेज बॉक्सेस हैं। साथ ही में हाँ, इधर आ जाते हैं, तो ये वाला जो एक वॉल्ट है, इसको द वॉल्ट हमने नाम रखा हुआ है। इसमें बहुत प्रेशियस चीज़ें, हमारी सारी कैमरा इक्विपमेंट, बहुत सारी केबल्स, बैटरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी कैमरा रिलेटेड इक्विपमेंट है वो इसके अंदर रहता है। और इसे एक रीइन्फोर्स्ड लुक हमको देना था, इसके लिए मेटल से इसको रीइन्फोर्स किया है, और साथ में ऑलमोस्ट 4,000 स्क्रूज इसमें लगाए गए हैं ये लुक देने के लिए। एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, इट लुक्स वेरी रेट्रो, वेरी ब्यूटिफुल, और मेरा फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट फर्नीचर पीसेज है इस स्टूडियो का। उसके बाजू में ही यहाँ पर एक ये इक्विपमेंट है, इसे डीह्यूमिडिफायर कहते हैं, कैबिनेट है जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है, और इसके अंदर सारा कैमरा इक्विपमेंट रखा गया है जो यूज़ में है अभी फ़िलहाल, जैसे कैमरा बॉडीज़ हैं, लेंसेज हैं कई सारी, वो सब इसमें रहती है कि ह्यूमिडिटी नहीं लगे ये इक्विपमेंट को, फंगस वगैरह आ जाती है लेंसेज में, कैमरा सेंसर के ऊपर, तो वो अवॉइड करने के लिए ये यहाँ पर एक कैबिनेट है। फिर यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है, बैटरीज चार्ज होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक स्नैक ट्रॉली है, भूख लगी है, कुछ पीना है, ड्रिंक्स वगैरह सब यहाँ पड़ा रहता है, तो टीम यहाँ से कुछ कुछ उठा के खा सकती है। और फिर यहाँ पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये बैक एंड स्टेशन है बेसिकली। यहाँ पर मेरी जो किचन टीम है, केवल और रितेश, वो प्रेप यहाँ पर करते हैं, और सारा कुछ सामान यहाँ पर रेडी होता है,
और मुझे वहाँ पर मिलता है फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो कैमरा के पीछे सारा सामान यहाँ पर रेडी होता है। और ये एज अ फोटोग्राफी स्टेशन, एक स्टिल्स लेने का भी स्टेशन जैसे एक्ट करता है। इसमें एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसमें पीछे दो रॉड्स लगा दो और फिर उसके बाद अपना बैकड्रॉप लगा के इसके ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। YFL किचन में बहुत सारी चीज़ें व्हील्स के ऊपर है, आप देखोगे यहाँ पर नीचे व्हील्स लगे हुए हैं ताकि हम इसको आसानी से सब मूव कर पाएँ और इजीली सब यहाँ वहाँ हो सके जब भी चाहिए। तो ये वाला स्टेशन था। और साथ ही में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो YFL के यूट्यूब बटन्स हैं, एक सिल्वर बटन है और गोल्ड प्ले बटन है जो हमें 1 लाख और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर मिला था, आप सबकी वजह से मिला था। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए हमेशा। और एक चीज़ है इस कोने में, मैं यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ, ये एक टूल बोर्ड है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी आपको जो यूज़ की जाती हैं ये स्टूडियो को मेंटेन करने में। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पर हम बिल्ड करते हैं, खुद पेंट करते हैं, काटते हैं, स्क्रू लगाते हैं, सब करते हैं, तो वो सब चीज़ों को करने के लिए ये यूज़ किया जाता है सब सामान। और फिर इक्विपमेंट के हिसाब से कैमरा के बारे में तो मैंने आपको बताया कि कैमराज वहाँ पड़े हैं, पर लाइट्स के लिए काफ़ी सारी रिग्स लगी हुई हैं ऊपर। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो ये पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है, इसको एक पेंटोग्राफ सिस्टम कहा जाता है, जिसके ऊपर सारी लाइट्स सस्पेंडेड हैं। तो कोशिश करते हैं कि जितनी चीज़ें ऊपर सस्पेंड कर पाएँ तो उतने स्टैंड्स नीचे कम हो जाते हैं। तो ये सब मूवेबल है, सारी लाइट्स मूव होती हैं। और ये बताते बताते मुझे कुछ दिख गया यहाँ पर, तो ये जो एक आप देख सकते हो ये रॉड मैंने बनवाई थी 6 साल पहले जब भी मैं टेबल टॉप वीडियोज़ बनाता था और इसके ऊपर यहाँ पर कैमरा लगता था। ये 500 रुपये में रिग बनाया था तभी, अभी फ़िलहाल ये डिफ्यूज़र को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। बट दिस वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इक्विपमेंट वॉट वी डिड एज अ DIY और एज अ ओवरहेड कैमरा रिग इसे यूज़ करते थे हम। क्वाइट क्लोज टू माई हार्ट दैट इक्विपमेंट, पीस ऑफ इक्विपमेंट इज। और फिर आप देखोगे तो ये तो इंडोर स्पेस था, और जो इंडोर स्पेस है उसके अलावा 2 आउटडोर स्पेसेस भी हैं इस किचन में, क्योंकि मुझे बहुत रूमी एक स्पेस चाहिए थी, तो इसके लिए काफ़ी ऐसे बड़े बड़े ग्लास की स्लाइडिंग्स लगाई हुई हैं। और अगर आप इस तरफ देखोगे तो ये जो पूरा एक बड़ा सा पैच है, पूरी स्लाइडिंग खुल जाती है एंड दिस बिकम्स लाइक अ होल बिग स्पेस। एंड यूजुअली आई यूज़ दिस एज अ बोर्ड टू राइट थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहीं लिख देता हूँ, जैसे ये वीकली स्केड्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है इस वीक का, यहाँ पर अप्रैल और मई की रेसिपीज़ लिखी हुई हैं जो शूट करनी है या की हुई हैं, तो वो सब एट अ ग्लांस मुझे दिख जाता है। सो व्हेनेवर आई कम हियर टू द स्टूडियो आई नो व्हाट आई हैव टू डू टुडे, तो सब मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ और हर हफ्ते ये चेंज होते रहता है एंड इट लुक्स वेरी गुड ऑल्सो, सो आई जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग ओवर हियर। और ये एक पूरा आपको मैंने वॉक ओवर दे दिया इंडोर किचन का, और बैक टू स्क्वायर वन जैसे मैं हमेशा आपको यहाँ पर दिखता हूँ, दिस वॉज द होल इंडोर स्पेस। कुछ थोड़े बहुत जो न्यूआंसेज हैं बहुत डिटेल में मैं आज नहीं बता पाया हूँ, जो वो मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊँगा और वो चैनल पे आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी नेक्स्ट आउटडोर स्पेसेस हैं YFL स्टूडियो में, तो वो आउटडोर स्पेसेस क्या हैं, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। तो जब आप यहाँ पर आ जाओगे यू कैन ओपन दिस होल स्लाइडिंग, स्लाइडिंग पूरी खुल जाती है और एक ब्यूटिफुल सा ऐसे ओपन ग्राउंड बन जाता है जो बहुत ही अमेजिंग लगता है। इट लुक्स लाइक अ फ्लैट ले एंड बहुत मज़ा आता है यहाँ पर काम करने में। ये एक छोटा सा कॉफ़ी टेबल है और ये कॉफ़ी टेबल पे कॉफ़ी तो पीता ही हूँ, बहुत ज़्यादा काम भी करता हूँ यहाँ पर बैठ के, बहुत फ्रेश वाइब्स आते हैं। लेकिन यही टेबल पे बहुत सारी रेसिपीज़ की फ़ाइनल प्लेटिंग भी हुई है, 100-150 रेसिपीज़ तो कम से कम यहाँ पर प्लेट की होंगी, बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है। और बाहर आप नोट करोगे कि काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं, इफ़ यू कम हियर एंड सी देर आर सो मेनी प्लांट्स ओवर हियर। और ये जो प्लांट्स हैं सारे रियल प्लांट्स हैं, 500 से भी ज़्यादा प्लांट्स हैं ये दोनों डेक्स में, और बहुत ही लाइवली एक फील देता है। मुझे ऐसा स्टूडियो बनाना था क्योंकि मुंबई में स्टूडियो है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट जंगल है बेसिकली, तो उसमें एक बहुत ही ग्रीन फ्रेश वाइब के लिए मुझे बहुत सारे प्लांट्स चाहिए थे, और इसीलिए इतने सारे प्लांट्स हैं। बहुत मज़ा आता है यहाँ पर एक फ्रेश वाइब में काम करने के लिए, और किचन भी बहुत ज़्यादा फ्रेश और लाइवली लगता है। तो ये जो स्पेस है ये एज अ आउटडोर किचन भी यूटिलाइज होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक वुड फायर्ड ओवन है और इसमें पिज्ज़ास बनते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम रोस्ट करके बनाते हैं। और ये पिज़्ज़ा ओवन जो है ये मैंने खुद बनाया है, यहाँ पर खुद ही बिल्ड किया है। और यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो
तो ये वाले जो स्पेस में मैं खड़ा था अभी, यहाँ से शूट होता है ये वाला स्पेस, और इधर मैंने कई सारे जो रेसिपीज़ हैं वो यहीं पर शूट किए हैं, जैसे मुंबई सैंडविच, वड़ा पाव, मेरे डैड का मटन मसाला, ऑल ऑफ दोज रेसिपीज़ हैव बीन शॉट हियर, एंड व्हेनेवर वी वांट टू गिव दैट आउटडोर काइंड ऑफ अ फ्रेश वाइब, तो हम वो वाली सारी चीज़ें बाहर शूट करते हैं। ये जैसे ये वाला टेबल है, इस पर कई सारी चीज़ें असेंबल होती हैं, जब भी चाट्स फ्रैंकीज़ वगैरह बना रहा हूँ वो वाला वाइब चाहिए होता है, तो हम बाहर आके फाइनल शॉट्स लेते हैं और बाहर ही हम लोग असेंबली भी करते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी शूटिंग होती है। यहाँ पर एक ग्रीन टर्फ है और यहाँ पर एक टेबल है जहाँ पर पूरी जो टीम है शूट होने के बाद हम यहाँ बैठकर वही खाना खाते हैं, चिल करते हैं, बहुत मज़ा करते हैं। बाहर से जब भी गेस्ट आते हैं कोई, सो वी हैव आवर डिनर और लंच ओवर हियर। यहाँ पर एक बार सेटअप भी है, फ़िलहाल पीछे आपको झाड़ी दिख रहे होंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, तो सारा स्टॉक अंदर चला गया है, बट यहाँ पर बार स्पेस है, सो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू यूज़ द बार दे कैन यूज़ द बार ऑल्सो। सो इट्स क्वाइट अ नाइस एंड फन एंड चिल स्पेस आउट हियर, और बाहर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्पेस में मज़ा आता है। मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया आपको, यहाँ पर एक तंदूर भी है मेरा, तो यहाँ पर एक तंदूर है जो जिसमें तंदूरी रोटियाँ वगैरह बनती है, फ़िलहाल कोने में छुपा हुआ है। एक आउटडोर पोर्टेबल पिज्ज़ा वन मेरा वो वाले डेक पे भी है, देयर इज़ अ कॉफ़ी सेटअप ओवर देयर, बट वहाँ पर अभी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, सो आई एम नॉट शोइंग यू दैट साइड, बट देयर इज़ अनदर आउटडोर डेक एग्जैक्टली ओवर देयर। सो दिस वॉज द स्पेस एंड आउटडोर स्पेस, और ये मिल के बहुत ही एक फन सिचुएशन हो जाती है यहाँ पर, एंड बहुत मज़ा आता है यहाँ पर शूट करने में, काम करने में, एंड बिकम्स अ वेरी फन प्लेस टू वर्क इन। अभी ये सब चीज़ों के अलावा, ये तो प्रोडक्शन एस्पेक्ट था, पोस्ट प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है YFL वीडियोज़ का, जहाँ पर ये सारे वीडियोज़ हैं स्टिच होके बनते हैं, और वो स्पेस जो है वो दूसरे फ्लोर पे है। तो पोस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं, आई विल शो दैट टू यू नाउ। वेलकम टू द पोस्ट प्रोडक्शन रूम। यहाँ पर सारे YFL वीडियोज़ स्टिच होते हैं, साथ में बनते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर सिस्टम्स हैं अलग अलग, ये मेन सिस्टम है, यहाँ पर अक्षय एडिट करता है, और सारे YFL वीडियोज़ आज दिन तक के जितने भी YFL वीडियोज़ हैं वो अक्षय ने एडिट किए हैं, और यहीं पर अभी फ़िलहाल एडिट होते हैं, पहले यहाँ नहीं होते थे, मैं बताऊँगा आपको बाद में पहले कहाँ होते थे। तो यहाँ उसका मेन सिस्टम है, यहाँ पर और दूसरे सिस्टम्स हैं, वहाँ पर लैपटॉप्स हैं थोड़े बहुत, तो यहाँ पर बैठ के सारा काम होता है। एक बार वीडियो शूट हो जाता है तो उसके बाद काफ़ी सारा काम होता है जो यहाँ पर होता है, जैसे वीडियो को स्टिच करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, कलर ग्रेड होता है, फिर फाइनली एक्सपोर्ट होके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए ट्रांसकोड होता है, और फिर अपलोड होता है यहीं से, और थंबनेल्स भी सारे यहीं पर एडिट होते हैं, और बहुत सारा काम होता है। यहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरेज भी है, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सब हार्ड डिस्क हैं, ये सब 8-10 TB की हार्ड डिस्क हैं एक एक, और हार्ड डिस्क को हम लोग वेब सीरीज़ के कैरेक्टर्स का नाम दे देते हैं, ये आर्या है, ये जॉन स्नो है, ये टीरियन है। नीचे वाले सेक्शन में ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर के नाम दिए हुए हैं, तो इस तरीके से हमको याद रहता है कि कौन सी हार्ड डिस्क में क्या फुटेज है। और डे वन से लेके अभी तक जितने भी YFL वीडियोज़ बने हैं, एक भी फुटेज हमने डिलीट नहीं किया है, सारा फुटेज है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो गया है हमारे पास। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर एक ऊपर कंसोल है जहाँ पर सारे CCTV कैमरास और सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं आपस में। बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो गई तो अभी सोच रहे हैं कि नैस बॉक्स एक लगा दें, देखते हैं वो कब होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बात करोगे, काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर पर एडिट करते हैं, तो फाइनल कट प्रो 10 पे एडिट करते हैं, और उस पर ही मेजर काम होता है, और फिर अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स और ऑडिशन कई बार यूज़ करना पड़ता है कोई कोई चीज़ों के लिए। फ़ोटोज़ जो हैं, स्टिल्स हैं, वो एडिट होते हैं अडोबी फोटोशॉप, लाइट रूम और कैप्चर वन पे, तो ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग काम यहाँ पर होता है, सारी टीम एक साथ यहाँ पर बैठकर ब्रेनस्टॉर्म करती आइडियाज़, रेसिपीज शूट होने के बाद रेसिपीज़ लिखनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है, वो भी काम सारा यहीं पर होता है। तो जितना काम ऊपर होता है उतना ही काम ये रूम में भी होता है, और ये वाले रूम में भी जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और एक चीज़, अभी तो आपको काफ़ी सिस्टम वगैरह यहाँ पर दिख रहे हैं, एकदम हैवी सामान यहाँ पर दिख रहा है, पर इनिशियल जब तक 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे योर फूड लैब के,
तब तक ये लैपटॉप था, बहुत पुराना लैपटॉप है ये, कम से कम 15 साल हो गए होंगे, 12 साल हो गए होंगे मेरे, नहीं 15 साल के ऊपर हो गए हैं लैपटॉप को। और इसी लैपटॉप पे वो वीडियो शूट हो एडिट होते थे, अक्षय यूज़ टू एडिट ऑन दिस लैपटॉप। उतना आने के बाद फिर सबसे पहला, उसके बाद सबसे पहला सिस्टम हमने ये वाला ख़रीदा था जो ये वाला लैपटॉप है फिलहाल, अभी इसके ऊपर स्टिल्स एडिट होते हैं। फिर उसके बाद वो वाला लैपटॉप आया जो यहाँ पर पड़ा है, जिस पर मैं काम करता हूँ, और फिर फाइनली हम लोग ने जाके आई मैक सिस्टम्स लिए। सो 6 साल में धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें ली गई है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी है, जैसे जैसे हम पैसे इन्वेस्ट कर पाए वैसे वैसे हमने पोस्ट प्रोडक्शन इक्विपमेंट में भी इन्वेस्ट किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्ट प्रोडक्शन रूम, और किचन भी दिखा दिया आपको, ये रूम भी दिखा दिया, और थैंक यू टू मानस हु इज़ बिहाइंड द कैमरा, जो सारे वीडियोज़ शूट करता है, ही इज़ द DOP, एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही शोड यू अराउंड द स्टूडियो। और अभी फाइनली बहुत एक्साइटिंग पार्ट पे आ जाते हैं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द गिव अवे, सो लेट्स गो अप एंड आई विल टॉक अबाउट द गिव अवे विथ यू। 25th April 2016, सबसे पहली रेसिपी वीडियो अपलोड की थी योर फूड लैब की। 6 साल हो गए आज, एंड पता ही नहीं चला कि कब ये 6 साल चले गए। अपने लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल के ऊपर शूट करना शुरू किया था, 3-3.5 साल तक वहीं शूट किया। स्टूडियो नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था, कैमरा, लेंसेज, लाइट्स, कुछ भी नहीं था। रेंट पे लेके आता था कैमराज। बहुत ही हम्बल बिगनिंग थी, सोचा नहीं था कभी कि ये जगह पे मैं आज बैठ पाऊँगा, आप इतने सारे लोगों से बात कर पाऊँगा किसी दिन, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर कर पाऊँगा, ये कभी सोचा नहीं था। और धीरे धीरे ये सब बनता गया आप सबकी वजह से, और धीरे धीरे टीम बनती गई, धीरे धीरे ये जगह बना पाए, ये स्टूडियो स्पेस बना पाए, इक्विपमेंट खरीद पाए, और आप सबके लिए और बेहतर वीडियोस बना पाए धीरे धीरे 6 साल में। और यही आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और कि आप सबके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बना पाऊँ। एंड दिस वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता मेरी टीम के बिना। जितने भी टीम मेंबर्स हैं, अक्षय, मानस, शान, रितेश, केवल, जिनीशा, भार्गव, जितना भी सपोर्ट स्टाफ है, मेरी फैमिली है, टीम YFL के फैमिली मेंबर्स हैं, सारे ही लोग इतनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये वीडियोस बनाने के लिए, तब जाके हर एक वीडियो आप तक पहुंचती है। आई एम सो ग्रेटफुल दैट ये जो मेरा पैशन है खाना बनाने के लिए, और खाने बनाकर आप सबके साथ रेसिपी शेयर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, उसका हम बहुत अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं, इसीलिए आप सबके साथ आज ये YFL स्टूडियो टूर शेयर किया है कि ये वो स्पेस है जहाँ पर हम रोज़ खाना बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबकी वजह से ये स्पेस बना पाया हूँ, ये ड्रीम किचन बना पाया हूँ, और मौका मिलता है मुझे रोज़ यहाँ पर आकर खाना बनाने का। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो हमेशा, ताकि हम हमेशा आपके लिए ऐसे कंटेंट बना सके। थैंक यू सो मच फॉर दीज ब्यूटिफुल 6 years यू ऑल हैव गिवन अस, एंड आई लव यू फॉर दैट। तो चलो, ये बहुत ईमो बातें हो गई, अब आ जाते हैं एकदम एक्साइटिंग पार्ट पे, जो गिव अवे मैंने बोला था। तो आज जो गिव अवे मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, इसके जैसा गिव अवे पहले कभी नहीं किया है। एप्रिंस किए हैं, इक्विपमेंट दिया है, अप्लायंसेस दिए हैं, पर ये वाला गिव अवे एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो गिव अवे है क्या, तो 3 लोग होंगे, 3 गिव अवे के विनर्स होंगे, और वो 3 लोगों को मैं YFL स्टूडियो में इनवाइट करूँगा। आप यहाँ पर आएंगे और मैं आपके लिए खाना बनाऊँगा, हम साथ में बैठ कर खाएँगे, कुछ साथ में बैठ कर यहाँ पर ये इस किचन में बनाएंगे। We'll have some good time. I'll show you around this studio myself. आप यहाँ के स्टूडियो देख पाओगे एंड एक्सपीरियंस कर पाओगे विद टीम YFL एंड myself, और बहुत मज़ा आएगा। इस गिव अवे में पार्ट लेने के लिए आप इंडिया से होने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप YFL को सब जगह पर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब सब कर दो। आई एम श्योर आप सबने वो तो कर ही दिया होगा, पर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दो। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करना है,
फिर उसके बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपकी सबसे फेवरेट रेसिपी कौन सी है, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट YFL रेसिपी ऑफ yours, वो कमेंट कर दो। कमेंट करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वो लिंक पे आपको क्लिक करना है, डिटेल्स फिल करनी है और एक वीडियो अपलोड करना है। वीडियो इस बारे में बनाना है कि YFL आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है, वॉट डज़ YFL मीन टू यू, हाउ इट हैज़ प्लेड अ स्मॉल रोल इन योर लाइफ, सम स्पेशल मेमरीज, सम ब्यूटिफुल मेमरीज। कई सारे मैसेजेस आते हैं कि आपने एक रेसिपी किसी स्पेशल वन के लिए बनाई, कोई बोलता है बिजनेसेस में यूज़ कर रहे हो, कोई बोलता है कि किसी का बच्चा खाना नहीं खा रहा था और YFL की रेसिपी से उसने खाना खाना शुरू कर दिया। कुछ इमोशनल होती है जिनसे आँखों में आंसू आ जाते हैं और कोई चीज़ें ऐसे सुनने मिलती हैं जिससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो आई वॉन्ट टू नो दी स्पेशल मोमेंट, दी स्पेशल मेमरीज़ कि YFL आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, आई वॉन्ट टू नो दैट। तो ये वीडियोज़ बना दो, ध्यान रखो कि वीडियो 2 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए तो ही हम ये वीडियो को देख पाएंगे। एंड एज सून एज वी गेट इन ऑल दी एंट्रीज, हम एंट्रीज देखकर 3 विनर्स चूज करेंगे एंड वी विल गेट इन टच विद यू। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट यू गाइज, बहुत टाइम से सोच रहा था ऐसा कुछ करने का। फिलहाल सिर्फ 3 लोगों को ही बुला सकता हूँ, कोविड अभी अभी थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस खुलने शुरू हुए हैं, सो आई थिंक दैट इज़ अ ईजी वे टू गेट 3 पीपल ओवर हियर। इंडिया में से हो आप अगर, तो जहाँ भी होगे इंडिया में, 3 लोगों को मैं यहाँ तक लाने का और वापस आपके घर पे पहुँचाने तक का पूरे अरेंजमेंट्स टीम YFL करेगी। आई विल फ्लाई यू डाउन टू मुंबई एंड वी विल हैव सम गुड टाइम टुगेदर। सो रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सारे डिटेल्स अच्छे से फिल इन कर देना और वीडियो 2 मिनट के अंदर वाला वो अपलोड कर देना, बस इतना ही करना है। एंड देन 3 लोगों को मैं मिलने वाला हूँ इन दिस YFL किचन एंड वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम। तो जल्दी से एंटर करो ये गिव अवे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यू गाइज वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर दीज ब्यूटिफुल 6 ईयर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपके बिना YFL नहीं होता, सो थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ द YFL फैमिली। पूरा वो कोलाज सिस्टम करते हैं कि स्पाइसेस की बर्नी आए तो सीधा एक बॉक्स बने, उसमें बर्निया जा रही है एक जगह पे, पॉप टॉप एंड अ येलो फ्रॉम हियर एंड अ येलो फ्रॉम द साइड ऑल्सो। काउंटर बिल्ड करके एग्जैक्ट फ्रिज की मेजरमेंट देखते हैं। लेट सेलेक्ट द सिंक, विच सिंक वी नीड टू पुट। स्पाइसेस की जगह पे ज़्यादा जगह लग रही है, वी कैन हैव स्पाइसेस एंड नाइव्स टुगेदर और स्पाइसेस एंड पल्सेस टुगेदर एंड नाइव्स ओवर हियर। दैट्स अप टू अस। लग रहा है। चलो एवरीबॉडी रेडी करें, चालू अक्षय। यस यस, चलो साउंड रोलिंग रोलिंग एंड एक्शन।
What's up guys, Sanjot Kir here. Welcome to YFL.